अखिल भारतीय मंगलमुखी किन्नर समाजांचं अमरावती शहरात हा इतिहासात नोंद झाली अशा प्रमाणात एक जानेवारी ते पंधरा जानेवारीपर्यंत महा या ठिकाणी अधिवेशन झालं संमेलनाचंच त्यांनी आयोजन केलेलं आहे आणि अनेक दिवस या ठिकाणी वास्तव्य करून या ठिकाणी सोमवारला कलश यात्रा कलश यात्रासुद्धा अमरावतीमध्ये अनेक भागातून काढण्यात आली आणि मोठ्या जंगी उत्साहामध्ये अनेक महिला पुरुषांनी सर्वांचं अभिनंदन केलं पुष्पवृष्टी करून या ठिकाणी अनेकांना पुष्पहाराने त्यांचं स्वागत करण्यात आलं आता या अधिवेशनाचा शेवटचा टप्पा येत आहे आणि शेवटच्या दिवसामध्ये अनेक किन्नर भारतातील राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरातसह अनेक राज्यामधनं या ठिकाणी आले होते आणि आता पुन्हा परतीला प्रवास करीत आहे हाँ जी नमस्कार सारे भारतवासियों को और अमरावती शहरवासियों को है ना सारे हमारे जो बराड़ है जो भी हमारे विदर्भ हैं और हमारे अमरावती शहरवासियों को कोटि कोटि प्रणाम जय हिंद जय भारत मेरा नाम है नेहा नायक मैं मुर्तिजापुर से हूँ और ये जो आयोजक जो करा है यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ है हमारा ये सोना नायक ने रखा है जो इस अमरावती शहर के जो गुरु है मेन मुखिया जो है यहाँ के है ना यहाँ के जो मेन मुखिया है ये उन्होंने आयोजित करा था और हमने उनको मदद करे साथ दिए हम उनके घर के और सब हमारे किन्नर लोग आए थे देखो कोरोना काल आया बीच में दो तीन साल से हम कटे नहीं हुए थे हमारे किन्नर भाई हम लोग धूर थे कोरोना काल के अंदर हमारा बहुत सारा लॉस हुआ है जजमानों का भी हुआ हमारे हमारे जो अन्नदाता है हमारे पेट को देने वाले उनके घरों में खुशियाँ दे मालिक और इस कोरोना महामारी के कारण हम लोग एक दूसरे से मिलन मिलापा नहीं हुआ था हमारा तो ये आयोजक पचास साठ साल के बाद में पहली बार अपने अमरावती शहर में हुआ है इससे पहले हुआ है अकोले के अंदर भी हुआ है यवतमाल के अंदर हुआ मुर्तिजापुर मूर्तिजापुर के अंदर भी हुआ है यह सम्मेलन हो चुका है पर यहाँ पहली बार हुआ है तो हमारे सारे किन्नर जमा हुए हमने पूजा अर्चना करी और कोरोना महामारी के कारण किसी की कमाई में बरकत नहीं थी कोई काम से नीचे घर पे बैठ गया था किसी की नौकरी रुक गई थी किसी का घर बर्बाद हो गया किसी का परिवार का परिवार बंद हो गया किसी का ख़ानदान का ख़ानदान चला गया कोरोना महामारी ने ये जो भयंकर महामारी आई थी तो इस भयंकर महामारी ने हमारे सारी जनताओं का पूरा लॉस कर दिया और हम लोग अभी इंडिया में बहुत पीछे आ गए हैं इसके कारण हमने सारे किन्नर मिलकर उनकी दुआएं प्रार्थनाएं हमने करी और जिसके घर में बच्चा नहीं है जिसको आँस औलाद नहीं है उनके लिए भी दुआ प्रार्थना करी गई यहाँ पर और हमारे सारे किन्नरों की हमारी जो हमारे एक दूसरे से मन होता है जैसे घर के अंदर जैसे अभी हमारी ये गुरु है और मेरा इनका झगड़ा हुआ है घर में तो हम लोग बात नहीं कर पाते हैं वहाँ ये भी गुरु है परतवाड़ा के ये शेगा गाँव के गुरु है मैं मूर्तिजापुर की गुरु हूँ वैसे सारे गुरु लोग आते हैं उनके चेले शिष्य लोग आते हैं तो एक दूसरे का जो मन मोटापा रहता है तो हमारी पंच यही होता है हमारी जो अदालत है है ना हमारा जो हैदराबाद बम्बई पूना हर जगह से आए है ना दिल्ली, किन्नर दिल्ली बम्बई पंजाब हरियाणा कलकत्ता पूरे ऑल इंडिया राष्ट्रीय किन्नर सम्मेलन था ये है ना तो यहाँ पंचायत होती है तो यहाँ पंचायत हुई हमारी और वो माता की आपको जो बताई वो हुआ कल फिर हमारी अंतिम विधि थी कल कि हमारी जो था लास्ट था हमारा प्रोग्राम तो कल हमारी कलश यात्रा निकाली गई समाप्ति थी कल हमारी वो समाप्ति हो गई कल कलश यात्रा निकाल के फिर उसके अंदर जो हमारे सीपी साहब है आ, हमारे जो सीपी साहब है ए सी पी साहब जो है हमारे सी पी सी पी जो है साड़ी साहब हाँ डी सी पी सर जो है हमारे या शहर के डी सी पी साहब ने हमारे परी को गोद लिया है उन्होंने ये देखो ये परी ये को, को है ये भी किन्नर है इसको ना हमारी परी को उन्होंने गोद लिया है और कल दस हज़ार का हमको इनका चेक भी दे के गए हैं और इनका पूरी लाइफ में इनको पीआई बनाने की उन्होंने मेरे साथ वादा करा है उस वादे के लिए मैं इंतज़ार करूंगी और दूसरी बात जो है हम इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे इसका भविष्य बनाएंगे देखो आज मुझे तो हो गया है पचास में दो साल कम की मेरी उम्र हो गई है और अट्ठाईस साल मुझे किन्नरों के अंदर हो गया अट्ठाईस से ऊपर पकड़ लो उनतीस साल पूरे पूरे हो गए मुझे तो हमने तो हमारी ज़िंदगी काट ली है अब इनकी देखो उम्र कितनी है इनकी देखो उम्र कितनी है इनकी देखो उम्र कितनी है इनकी देखो ये भी चालीस के ऊपर के हैं अब हमने तो कर लिए अब हमारे से तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना हम माँ बाप के घर में रह सकते क्योंकि हम तो किन्नरों में शामिल हो गए हमें चालीस चालीस साल हो गया है अभी हम लोग क्या कर सकते हैं रह सकते हैं नहीं रह सकते तो वैसा हमने तो कर लिए पर आगे की जो पीढ़ी है उसके लिए मैं सरकार से ये अपील करूंगी कि हमारी जो आगे की पीढ़ी है किन्नर जो पैदा हो रहे हैं बच्चे देखो माँ बाप खुद हमें ला के एडेप्ट करके जाते हैं हम उनके घरों को नहीं जाते हैं है ना हम भी किसी की आशा औलादें पर मैं यही जनता से अपील है मेरी और सरकार से भी अनुरोध है कि हाँ किन्नर लोग तुम कितना भी उनको पाबंदी दे दो पर हमारे किन्नरों को किन्नरों में ही ला देते हैं हमें उनका कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ है कि जैसे कि भाई हम किन्नरों को लाए नहीं हम खुद नहीं लाते उनको हम खुद नहीं लाते उनको खुद ही माँ बाप दे जाते हैं तो मैं सरकार से ये अपील करूँगी कि हमारे किन्नरों के लिए हमारे किन्नरों के लिए इनके लिए आधार कार्ड की सुविधा बनाई जाए और हमारे किन्नरों के लिए पढ़ाई में स्कूल में कोई हमें दिक्कत ना आए अभी ये मेरा बच्चा है अमरावती में रहते हैं सोना भाई ने उनको पास में वो स्टैम करके नोटरी करके वो लोग देके गए हैं किन्नर बच्चे को तो मैं ये चाहती हूँ और अमरावती शहर के जो भी हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि हमारी परी का आधार कार्ड सोना बाई के नाम से बनाए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो घरों में किन्नर है छोट छोटे छोटे हमें जो समस्याएँ आती है पढ़ाने लिखाने में स्कूलों में भेजने के लिए देखो बहुत सारा चिड़ाते हैं लोग हमने भी वो संघर्ष कर चुके हैं हम वो संघर्ष करके हम यहाँ तक के हैं बस मैं इतना ही कहूँगी जय हिंद जय भारत